तभी मुझे पता चला लाइक देर वॉज नो सच डिफरेंशिएशन बिटवीन एफ एम जी एंड नीट पी जी. लाइक सो आई डिड सम मिक्सचर. लाइक मोस्टली माय नोट्स विल बी ऑफ मेन चीज से कंटेंट, मींस लाइक एनाटॉमी मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा था और मुझे बार बार भूल जा रहा था. एम जी हम जितने भी होते हैं हम लोगों को खुद को इन्फीरियर फील होता है. लाइक सिंपली लाइक ये इट्स आउट ऑफ पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये सच्चाई नहीं है, ये तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि बिकॉज हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभम मेहर एंड टुडे आई एम ऑनर्ड टू हैव सच ए सीनियर हु नेवर नेवर एवर फेल टू अमेज अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शशि डोंसी. पहले तो आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, आपके घर में कैसा एटमोसफियर है? थैंक यू शुभम, लाइक थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन. लाइक वो तो मतलब आई एम फीलिंग वेरी लाइक अमेज, लाइक टू बोल मतलब लाइक आई एम नॉट इनटू द ग्राउंड्स, आई एम जस्ट फ्लाइंग क्योंकि रिजल्ट्स के बाद तो थोड़ा बनता ही है. तो सो सर हैव सिक्योर्ड 1401 रैंक व्हिच इज अ वेरी गुड रैंक एंड ये एक हिस्टोरिक नीट पीजी था, हम सबको पता है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, कभी कुछ रिव्यू आ रहा था, कभी बोल रहे थे कि एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ, तो बहुत सारा टेंशन चल रहा था. तो ये एक हिस्टोरिक नीट पीजी 2024 है और इसमें इतना अच्छा रिजल्ट सिक्योर करना, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू सर. थैंक यू शुभम. लाइक बिकॉज आई डू हैड द सेम माइंड सेट लाइक प्री पॉन पोस्ट पॉन, लेकिन लाइक जो भी होगा लाइक माइंड सेट तो सेम ही है. मतलब एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम देना है, एग्जाम देके मतलब जब बाहर आएंगे तभी ठीक होगा. अगर प्री पॉन में फंस गए या पोस्ट पॉन में फंस गए ना तो लाइक वी कैनॉट कम आउट. सो माई मेरा गोल यही था कि कुछ कुछ भी करो लेकिन बाहर तो आना ही है. सर अभी हम इसमें बात करने वाले हैं दो फेजेस में. पहला तो हमने एक इंटरव्यू कर लिया था जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, जिसमें कि हमने एफएमजी आप जब क्लियर किए थे बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ, तो तब हम बात किए थे. अब उसको हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जल्दी जल्दी कि आपने एफएमजी तक कैसे प्रिपरेशन किया और हमारा फोकस रहेगा नीट पीजी के हिसाब से, और नीट पीजी आपने कैसे उसके बाद कैसे प्रिपरेशन किया, क्या चेंजेस किया, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि एफएमजी के टाइम पे आपको पता था कि नीट पीजी के हिसाब से ही प्रिपेयर करना है या एफएमजी के लिए अलग प्रिपेयर कर रहे थे और नीट पीजी के लिए अलग? एक्चुअली इनिशियल मतलब पहले जैसे मतलब मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तो लाइक आई थॉट मुझे तो सिर्फ एफएमजी करना है करके आई हैड अ माइंडसेट. लेकिन फिर उसके बाद आई हैड अ प्रैक्टिस इन लेकिन तो अच्छे लाइक ऑब्जर्वरशिप मैंने किया तो तब मुझे पता चला कि मतलब जो भी इंडियन से करते हैं कि फॉरेन से करते हैं एमबीबीएस का तो एमबीबीएस करने के बाद उतना ज्यादा फायदा नहीं है और लाइक देर इज नो एनी लाइक सच अ गुड वी कैन टेल लाइक आफ्टर एमबीबीएस टू इंस्पायरिंग स्टोरी जो भी है तो मन से नहीं करते लाइक दे विल ऑलवेज फॉलो द ऑर्डर. So, मैंने उधर लाइक आई नोटिस दोस थिंग्स. सो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया चलो हमें तो पीजी तो करना ही है करके. सो पहले मतलब टर्न पॉइंट वही था. देन सेकंड मोमेंट में ही था लाइक देन आफ्टर दैट आल्सो आई वाज प्रिपेयरिंग विद द एफएमजी कंटेंट ओनली लाइक मेनली उधर क्लासेस जो भी चलता है क्लास देखते थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं तो उसमें लाइक आई यूज्ड टू वॉच फ्यू वीडियोस एंड टू मेक नोट्स. तो चलता था लाइक इट वाज अराउंड द मिड ऑफ 2020 उसी टाइम क्या हुआ कि वो नेक्स्ट आ रहा है करके लाइक बोलते ना भूत आ रहा भूत है लाइक मींस दे वर यूज्ड टू टेल लाइक नेक्स्ट आ रहा है करके. वही वही लेकिन अभी तक तो भूत तो नहीं आया. तो द सेम मोमेंट लाइक ठीक है ना तो द सेम थिंग लाइक तो तब मैंने क्या किया मतलब आई नो द फैकल्टी. सो मैंने सर से डाउट पूछा सर अभी तो मैं एफ एम जी के लिए पढ़ रहा हूँ मेरा नोट्स जो भी है तो एफ एम जी का ही है तो अभी मैं क्या आगे करूँ करके टॉप फैकल्टी उनसे मैंने पूछा. उन्होंने मुझे बताया कि तुम जो भी कर रहे हो ठीक है वो अच्छे से करना लेकिन अभी इसके बाद जो भी करने वाले हो उसको नीट पीजी से करना करके दे टोल्ड मी. सो व्हेन दे टोल्ड दैट टू स्टार्ट डूइंग द नीट पीजी इन द मिड ऑफ माई जर्नी लाइक एट द मोमेंट आई वॉज डूइंग अराउंड 6-7 subjects I have been completed at the moment. So when sir told the same, तो फिर उसके बाद I do realize क्योंकि I had a faith like मुझे तो मतलब I have a perception I need to do NEET PG. So at the moment only I started preparing with the NEET PG content. ठीक है. So with the same I prepared a single notes I that which I used for the FMG. तो उसको मैंने बार बार मल्टीपल रिविजन की और क्लासेस अटेंड की फिर उसके बाद उसका ही क्वेश्चन सॉल्व की जीटी दी फिर उसके बाद एफएमजी हो गया. ठीक है दिस वाज माय पार्ट ऑफ माय एफएमजी. यस
देन आफ्टर एफ एम जी सर इज इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम एफ एम जी नोट्स, द नीट पी जी नोट्स आर वेरी डिफरेंट और इज इट सिमिलर और यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर, हाउ हाउ इज इट फॉर यू? Yeah, like I told you, right? I did after 7 to 8 subjects only. I asked the sir. He told me to change. Yeah. So what I thought was like, ये तो 7 subjects when I missed, I need to redo it again. So I was redoing in my final year of my MBBS. So तब when I used to watch every video, मतलब जो भी videos है, जो भी faculties का means I used to see and I used to attend the classes. फिर तभी मुझे पता चला लाइक देर वॉज नो सच डिफरेंशिएशन बिटवीन एफ एम जी एंड नीट पी जी. लाइक मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि आई डिड लाइक फार्मा ई एन टी ऑप्थाल्मो, इसमें एक्स्ट्रा एक पेज मतलब ई एन टी ऑप्थाल्मो देर वॉज नो इन एक्स्ट्रा पेज, फार्मा ऑल्सो देर वॉज नो इन एक्स्ट्रा पेज. देन आई रियलाइज दैट कंटेंट इज सेम, सो आई जस्ट केप द सेम. एंड ड्यूरिंग माई एफ एम जी प्रिपरेशन आई डिडंट डिड मच एनी चेंजेस. So I use the same notes and during my NEET PG what I did was I use the same notes during my NEET PG preparation. लेकिन मैंने एक चीज एक्स्ट्रा की है जो मैंने मेरा प्री क्लिनिकल्स लाइक वट एवर द प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आई रीड इट आई डिड अगेन विथ सम डिफरेंट फैकल्टीज लाइक विच दे एक्सक्लूसिवली टीच फॉर NEET PG. सो आई डिड लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री कंप्लीटली अगेन. फ्रॉम विच फैकल्टीज इफ यू कैन एलाबोरेट? Yeah, sure. Yeah, I can tell. Like, for example, like previously, like I had a few mixture of faculties, like from Tripladder. Like, yeah. I can tell you the faculties also, like from Tripladder and from RIS. These are the two main sources of my preparation. So mainly, like my radiology was from Dr. Khalil sir, and the notes from psychiatry from Dr. Nadim sir. Then uske baad, like main subjects, my medicine was mixed with Dr. Priyan Jain sir and Dr. Mir Deepak Marwa sir, and surgery like Pritesh sir and Sandeep sir. I used like mainly this FMG contained notes along with I added few points like from the NEET PG perspective, mostly from the PYQ I added few points and I made use of it. Okay, this was my like conversion from FMG to NEET PG strategy I did. Like but my initial part, as I told, like I did first I did FMG material as a separate, but later on I spoke with this faculty and they told like upgrade it to NEET PG. So when I tried to upgrade, like tabhi mujhe pata chala ki like I got to know that there is no much difference between FMG and NEET PG. It's almost around 98% same in case of clinical subjects, whereas preclinicals I do say like there is a lot of difference. So and I did preclinical separately, like anatomy, physiology and biochemistry. So I prefer to tell you like do preclinical separately so that it will help you to get a good rank in NEET PG. और मैंने भी एक चीज़ देखा है एफएमजी में कि हम लोग क्लिनिकल को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्लिनिकल हमारा क्लियर रहता है और वो एफएमजी और नीट पीजी का लगभग सेम रहता है जितना भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी एंड ऑल. लेकिन जो प्री क्लिनिकल होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना रहता है, तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा था. देन सर आपने जब भी प्रिपरेशन शुरू किया था तो वहाँ पे अब इंटर्नशिप आपका भी चल रहा था दीनदयाल उपाध्याय में, सो वहाँ पे आपका कभी हेक्टिक डे पड़ रहा होगा, कभी सर्जरी वार्ड, कभी गायनी में आपका नाइट ड्यूटी पड़ रहा होगा, तो तब आप कैसे मैनेज करते थे? Yeah, like mainly like means this question should be answered क्योंकि like internship of 12 months like उसमें सारे months means like every month it won't be same, like some months it will be hectic and few duties will be of ease, that's everyone know. So like but I had a goal like मुझे कुछ भी करके लाइक आई शुड हैव डन एटलीस्ट 6 hours ऑफ स्टडी और 4 to 5 hours ऑफ स्टडी एवरी डे. इफ इट इज एनी हेक्टिक ड्यूटीज फ्रॉम लाइक एमरजेंसी ड्यूटीज इन सर्जरी आर इन मेडिसिन आर इन लेबर रूम ड्यूटीज इन गायनेकोलॉजी, देन आई डू प्रेफर डूइंग लाइक एटलीस्ट आई डू 3 to 4 hours of reading after the duty. Like mostly after the duty I will take a small nap and I will for sure I will do some readings in the time. Okay, agar means if I get some easy duties like for example radiology during my PSM postings, I do get lot of time. So at the time I used to manage even 10 hours of reading at those times. And next what I do is I do ask many questions to my seniors, like
को पीजीज हु आर लाइक पीजीज हु आर डूइंग देयर रेजिडेंसी. सो आई आस्क लॉट ऑफ डाउट्स लाइक हाउ टू डिफरेंशिएट फ्यू थिंग्स. दे विल हेल्प मी आउट इन ईजियर लाइक हाउ दे अंडरस्टैंड हाउ दे प्रिपेयर ड्यूरिंग देयर इन नीट पीजी डेज. सो दे ऑल्सो हेल्प मी इन सच केसेस. दिस इज माई मैनेज लाइक आई हैड अ गोल लाइक एवरी डे आई शुड प्रिपेयर एटलीस्ट फ्यू आवर्स एंड ड्यूरिंग माई ईज पोस्टिंग्स आई शुड मेक यूटिलाइज ऑफ ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज विच आई हैव. सो जैसे कि कुछ बच्चे एक्सक्यूज देते हैं कि इंटर्नशिप के टाइम में पढ़ाई नहीं होता, आप उसी को भी पॉजिटिव पॉइंट बना लिए थे. आप अपने सीनियर्स लोगों को पूछ सकते थे या उसको यूटिलाइज कर सकते थे PSM ये सब में. तो वेरी गुड पॉइंट सर. देन सर FMG हम जितने भी होते हैं हम लोगों को खुद को इन्फीरियर फील होता है. हम जब वहाँ पे होते हैं, जब फॉरेन मेडिकल में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें बस थ्योरी थोड़ा थोड़ा सा पता है, प्रैक्टिकल कुछ भी नॉलेज नहीं है. देन यहाँ पे आने के बाद PG क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो उस पर आपका क्या टेक है? आपने क्योंकि इंटर्नशिप किया है, आपने खुद देखा है और एंड PG भी आपने क्लियर किया है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? लाइक सिंपली लाइक ये इट्स आउट ऑफ पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये सच्चाई नहीं है, ये तो मैं बता सकता हूँ. क्योंकि बिकॉज लाइक डू मीन्स आई डू सो मेनी PGs, आई हैव मेनी फ्रेंड्स लाइक उनको भी देर इज अ क्लिनिकल एक्सपोजर ऑप्शन, बट मेनी ऑफ दम दे वोंट एक्सप्लोर. लाइक उनके पास ऑप्शन रहते हैं लेकिन दे वोंट मेक यूज ऑफ इट लाइक मच. वी डू टेक अवर इंटर्नशिप सीरियसली एंड वी डू लर्न लॉट ऑफ क्लिनिकल स्किल्स फ्रॉम अवर एंड, बट लाइक आई डू से कंपेरेटिवली एज दे नो like after doing means while doing PG they will be doing the same for their entire life. So the mentality of the Indian medical graduates will be like जो भी सीखना है हम PG में सीख लेंगे. सो दे विल बी हैविंग दिस मेंटालिटी. आई हैव सीन मेनी पीपल. ओके, सो एंड डोंट फील योरसेल्फ इनफीरियर बिकॉज क्लिनिकल नॉलेज वी विल लर्न, बट थियोरेटिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि बिकॉज द एग्जाम विल बी टेस्टेड बेस्ड ऑन यूर थियोरेटिकल नॉलेज. द सेम FMGE सेम NEET PG इट विल बी टेस्टेड बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल एक्सपोजर. सो यू शुड हैव लाइक FMGE वी ऑलरेडी हैव मोर एक्सपोजर टुवर्ड्स दिस थियोरेटिकल नॉलेज. वी शुड मेक यूज ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज ड्यूरिंग अवर इंटर्नशिप एंड वी कैन क्लियर मोर इजिली दिस NEET PG एग्जामिनेशन. क्योंकि हम एक बार पढ़कर इसमें आते हैं तो द सेम सिलेबस ऑलमोस्ट 98-99% द सेम सिलेबस विल बी देयर. सो डोंट नीड टू पैनिक एंड वी कैन डू इजिली एंड नेवर फील योरसेल्फ एज इंफीरियर. ओके, और सर आपने सही पॉइंट बोला क्योंकि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जस्ट रिवाइज करना है हमको. दैट्स अ ग्रेट पॉइंट सर. एंड सर यू कैन टेक दिस टाइम नाउ एंड यू कैन से एनीथिंग यू वांट टू से टू द ऑडियंस और टू योर सीनियर्स और एनीवन. सो टेक योर टाइम सर. Yeah, sure. Like, first of all, I want to thank you to the Asian Medical Institutes, like, जिन्होंने मुझे ये degree दिया. फिर उसके बाद, I need to thank Darius Medical Academy and Dr. Khalil sir, Nadim sir, who helped me in lot always. And फिर उसके बाद, Asian का management, Prashant sir है, Nishant sir, Alan sir, GGM सारे हो गया. So, I should thank them in person. Like, फिर उसके बाद, like, my advice to the fellow juniors, who will be, like, there will be two sets of, like, there will be three peoples like who are my friends who already did cracked FMGE, who did their internship and who are planning to appear for the NEET PG exam. Unke liye mera matlab like my single point is that like don't feel yourself inferior or bilkul naya ट्रैक पे नहीं जाना, बिल्कुल नया कुछ नहीं शुरू करना. आपका पुराना नोट्स उठाओ, उसमें ही ऐड ऑन करो और उसको ये ठीक से पढ़ लो. लाइक यू विल गेट थ्रू दिस NEET PG एग्जाम एंड डू सॉल्व क्वेश्चंस एंड GTs. दिस विल बी फर्स्ट पॉइंट टू माय फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी डन देयर इंटर्नशिप. और सेकंड पॉइंट इट इज फॉर माय जूनियर्स हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द FMGs. FMG प्रिपेयर करने के लिए लाइक द व्हिचएवर सोर्स यू हैव यूज्ड लाइक ट्रस्ट योर सोर्स लाइक व्हिचएवर सोर्स यू हैव यूज्ड just keep your source alive and keep your source as one. like agar aap ek subject kar rahe ho to us subject ka source ek hi rakhna, theek hai. so you can use multiple platforms but your source of the subject and your note should be one. don't make multiple notes, make a single notes and if you want to learn from different faculties you can learn but you should add with your main notes. okay, this you should do and do solve many questions and FMG can be easily done. And the third for those juniors who will be studying, like now who will be studying in the abroad, okay, maybe in second year, third year. First year I will prefer to tell is that
ऑल ऑफ द कॉलेज करिकुलम इफ यू आर इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर डोंट डोंट स्टार्ट अवे योर प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ विद द एप्स यू कैन डू दिस विद द एप्स फ्रॉम योर थर्ड ईयर आर समथिंग बिकॉज फर्स्ट ईयर यू डोंट नो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग सो फर्स्ट ईयर स्टार्ट विद योर कॉलेज करिकुलम जस्ट एंजॉय अ बिट ओके बिकॉज नाउ ओनली यू सफर्ड एंड केम सो एंजॉय अ बिट एंड try reading means I'm not telling means I won't tell like you should read always standard textbooks try reading few of those standard textbooks which will give you some orientation like how this standard books looks like or like if you can read you can use any apps or notes and but if you feel any doubt if you feel any underconfidence you just take your standard textbook and just refer them as their referral material and don't ban yourself like from first year itself I should do you can do it you have the time so from start from aram say second third year you explore what are the things there and what are the options you can have and from that you start your preparation and if you start during your second and third year like you will get a good score in FMG and you can get a great seat in EPG even yes sir ग्रेट सर थैंक यू आपने इतना अच्छे से हम लोगों को एलाबरेट किया और वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू सर आपने एक FMG होके हम लोगों को एक दिशा दिखाई हम लोगों को आपने ये दिखाया कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं तो ये कॉन्फिडेंस देने के लिए सबकी तरफ से जितने भी FMG कम्युनिटी हैं आई एम श्योर कि इंडियन ग्रेजुएट्स भी ये वीडियो देखेंगे और उन लोगों को भी बहुत मोटिवेट मिलेगा और थैंक यू सर और आपने क्या चूज़ करने का सोचा है अभी तक आपने कुछ माइंडसेट किया है सर थैंक यू शुभम लाइक वही मतलब मेन पॉइंट है कि अगर मुझसे हो सकता क्यों तो मतलब एवरी वन कैन डू इट लाइक इफ आई कैन डू इट एनी वन एनी FMG एनी IMG दे कैन डू इट सो आई मीन्स आई विल बी स्ट्रांगली अग्री टू दिस पॉइंट एंड लाइक माई प्लान इज टू टेक जनरल सर्जरी अस ऑफ नाउ एंड आई विल डू माई सुपर स्पेशलाइजेशन ऑन कंटिन्यूएशन ओके ऑल द बेस्ट सर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट करते रहिए और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि शशि सर का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो नीचे मैं दे दिया हूँ आप उनको फॉलो कर सकते हैं उनको अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट हो आप लोग तो उनको पूछ सकते हैं और सर जब भी फ्री हूँ आप लोगों को गाइड करेंगे थैंक यू सर थैंक यू शुभम लाइक थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो माय जर्नी एंड थैंक यू फॉर गाइडिंग द अपकमिंग एस्पिरेंट्स ऑफ FMG एंड NEET PG ठीक है आप भी आगे बढ़ते रहो अभी मतलब अच्छे से तैयारी करना लाइक अगले साल आपका टाइम है ठीक है थैंक यू श्योर सर